मैं आज अपने क्लाइंट के ऊपर पर्पल कलर करने जा रही हूँ। वो डार्क पर्पल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इनके बालों में, क्योंकि मैंने पहले मैं कर चुकी हूँ एक क्लाइंट का और ये बहुत ही अच्छा रोशनी में बहुत ही अच्छा साइन करता है। तो इनसे भी मैं बात का फ़ोटो मांग रही हूँ। अभी तो ये घर चली जाएंगी क्योंकि लेट हो रहा है, ये घर पे ही वॉश करेंगी। तो मैंने इनसे कहा है जब ये फ़ोटो देंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और बहुत ही खूबसूरत ये कलर आता है बाल में, बहुत सुंदर लगता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इनका कलर करने जा रही हूँ और अभी इनको मैंने कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने लिपस्टिक और बिंदी लगाया है, लेकिन स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग, जिसको देखकर सरोज जी बहुत खुश हैं। सरोज जी के हेयर भी मैंने पीछे बैक हुई है तो मैं दिखाऊँ कि मैंने पर्पल रेड किया है। आप हल्का सा अगर ध्यान दो तो आपको ये पर्पल ऊपर साइड में दिख रहा होगा और जैसे जैसे ये सूखेगा दोस्तों बहुत ही सुंदर ये कलर लगता है। और मैंने इनके सारे जितने भी इनके वाइट बाल थे मैंने सारे इनके वाइट बालों को अच्छे से कलर कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर चढ़ा है इनके बाल में। और बहुत ही कम समय में मैंने सिर्फ 40 से 45 मिनट में ही इसको बहुत अच्छा कलर दे दिया है हेयर को, और बहुत ही सुंदर इनके हेयर अब लग रहे हैं और इनके फेस पर भी बहुत ही ग्लोइंग, इनका फेस बहुत ही अब सुंदर लग रहा है। इनका कटिंग कराने का भी मन है, मैंने इनको बोला है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आइएगा तो मैं आपके हेयर की कटिंग भी कर दूंगी। और इनके बाल जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, रूट से मैंने सारे इनके वाइट बालों को ख़त्म कर दिया है, कहीं आपको वाइट बाल दिखेगा नहीं। देखिए सारा मैंने एकदम अच्छे से कलर किया है, बहुत अच्छे से कलर ने पकड़ा है इनके बालों को, देख रहे हो आप, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह मेरे ख्याल से मेरे सरोज डार्लिंग भी खुश होंगी। क्यों सरोज जी, आपको कलर कैसा लगा अपने बालों का? अच्छा लगा ना? रियल में आप चेंज होकर जा रही हैं ना? ये पक्की बात है कि सरोज जी यहाँ से निखार ब्यूटी पार्लर में से निखर के जा रही हैं। आप कब आ रहे हो?